डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज रदरफोर्ड्स एल्फा रे स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट इसमें हम सबसे पहले तो रदरफोर्ड ने जो सेटअप यूज किया फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वो देखेंगे उसको डिस्कस करेंगे फिर व्हाट वाज हिज ऑब्जरवेशंस इसी एक्सपेरिमेंट को लेके उसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी और फिर उसकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसमें हम कई सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जैसे कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉयल यूज करता है ठीक है तो गोल्ड फॉयल ही क्यों यूज करता है अगर अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो वो एटम के न्यूक्लियस को क्या वो अफेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा क्या सीधा निकल जाएगा थ्रू द एटम तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और जो भी अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स कितना होता है ये सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में बेटा तो देखते हैं स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेटअप यूज बाय रदर फॉर अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हमारे सामने इसमें मैं इसको अगर डिस्कस करूं इसकी कंस्ट्रक्शन को कि कैसे सेटअप किया गया कैसे बनाया गया तो देखो बेटा ये हमारे पास जो है दिस वन इज लेड कैविटी ये लेड की बनी हुई कैविटी है जिसके बीच में हमने एस जो है रेडियो एक्टिव सोर्स रखा है विच इज एमिटिंग एल्फा पार्टिकल या एल्फा रेज अब ये जो है दिस इज गोल्ड फॉयल और ये जो अरेंजमेंट है दिस इज नोन एज कोलिमेटर कोलिमेटर का काम क्या है बेसिकली ये अल्फा रेज को डाइवर्ज जो होने से बचाता है ये उनको स्कैटर नहीं होने देता सीधा सीधा अगर हम बोले तो स्ट्रेट लाइन में मेंटेन रखता है एक तरह से इलेक्ट्रॉन गन की फॉर्मेशन होती है ठीक है इलेक्ट्रॉन गन नहीं बोल सकते इसको गन की तरह की फॉर्मेशन है जैसे एक बुलेट फायर होती है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है बिल्कुल इसी तरह से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट वे मूव करता है बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट, ठीक है? तो ये है गोल्ड फॉयल गोल्ड फॉयल क्यों ली गई इसका सिंपल सा जवाब है देखो गोल्ड जो है सबसे मेलियेबल मटेरियल है उससे ज्यादा कोई मेलियबल मटेरियल नहीं है मतलब इसकी मैं चाहूं तो थिन से थिन लेयर ले सकता हूं इसीलिए उसने क्या किया गोल्ड की फॉयल चूज की और ये अज्यूम किया कि भैया मान लीजिए ये गोल्ड फॉयल है अगर मैं इसको यहां बनाऊं इसकी थिकनेस है तो अलोंग द थिकनेस सिर्फ अगर हम मान लें अगर मैग्नीफाई करूं तो अलोंग द थिकनेस सिर्फ एक ही एटम है ऐसे इन दिस वे दीज आर अलोंग द थिकनेस क्लियर हमने जान के इसीलिए ऐसा लिया और ये हमारी एजम्पन भी हो गई कि भैया जब भी अल्फा पार्टिकल आएगा इधर से इधर तो वो जो है एक से ज्यादा कोलिजन नहीं करेगा एटम से क्योंकि उसकी थिकनेस के अलोंग जो है हमारे पास सिंगल सिंगल एटम इस तरह से स्टैक्ड है वन बिलो द अदर क्लियर उसके बाद हमारे पास ये है दैट इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन इसकी क्या यूटिलिटी है यहाँ पे एक्चुअली जब अल्फा पार्टिकल इस पे स्कैटर करता इंसिडेंट होता है तो सिंटिलेशन प्रोड्यूस होती है जिस भी पॉइंट पे सपोज यहाँ पे अगर आके टकराता है तो यहाँ से सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगी अगर यहाँ आके टकराता तो यहाँ से सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगी ठीक है और ये जो अरेंजमेंट है दिस इज द माइक्रोस्कोप जिसको मैं रोटेटेबल डिटेक्टर भी बोलता हूँ क्योंकि ये इस तरह से रोटेट कर सकता है अलोंग द दिफरी ऑफ दिस स्क्रीन मान लीजिए यहां पे अल्फा पार्टिकल आके स्ट्राइक किया तो ये जो डिटेक्टर है यहां भाग जाएगा और क्या काउंट करेगा ये एंगल भी काउंट करेगा दिस इज नोन एज एंगल ऑफ स्कैटरिंग मान लीजिए अल्फा पार्टिकल आया यहां से टकरा के वैसे चला गया तो दिस थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्लियर बट यहां पे ये जो बना हुआ है दिस इज बेसिकली मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल्स को इंडिकेट कर रहा है ये पार्ट मतलब उसका जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि भैया जब भी अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होगा गोल्ड फोयल पे तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो होंगे वो स्ट्रेट वे मूव कर जाएंगे ठीक है हालांकि डिफरेंट एंगल्स पे भी जाएंगे बट उनका जो परसेंटेज है दैट इज वेरी नेग्लिजिबल अब उन्हीं के बेसिस पे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस रही रदरफोर्ड की और उसके कोलेबोरेटर्स की ये हमें देखना है जैसे ये एक अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुआ ठीक है ऐसे ये स्कैटर हुआ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे स्कैटर हो गए तो हमने ये देखना है कि वट वाज हिज ऑब्जर्वेशन ठीक है सो नाउ वी आर मूविंग टू द ऑफ दब्जर्वेशन मैं पॉइंट्स डिस्कस करूं ऑब्जर्वेशन के उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये लेड की कैविटी ही क्यों यूज की हम कई बार सोच सकते हैं इस चीज को तो इसका जवाब सिंपली ये है कि जो लेड है बेटा वो सबसे बड़ा नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और जबकि लेड के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं बेटा हमारे पास दे ऑल आर रेडियो एक्टिव वी चूज लेड अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ऑब्जर्वेशन के पॉइंट क्या है बेटा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या कहती है मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट through the gold foil it means they do not suffer any collision with gold atoms iska matlab main ye bhi bol sakta hu ki jo most of the part tha gold atom ka wo hollow hai atom ka chahe gold atom hai theek hai ya koi bhi atom hai to तो gold atom ka jo most of the part hai wo beta hollow hai second point kya kehta hai only about 0.14% of incident alpha particles स्कैटर मोर देन वन डिग्री मतलब मोर देन वन डिग्री कहने का मतलब है टू डिग्री थ्री डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री तक सभी अल्फा पार्टिकल्स को भी अगर काउंट किया जाए तो उसका जो परसेंटेज है ओनली दैट इज पॉइंट वन फोर परसेंट और फिर वो क्या कहना चाहता है थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी उसकी अबाउट वन अल्फा पार्टिकल इन एवरी एट थाउजेंड एल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाई मोर देन नाइनटी डिग्री मतलब हर 8000 पार्टिकल के बाद सिर्फ एक एल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे स्कैटर होता था तो वर था और इसके बेसिस पे ही रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया न्यूक्लियस ऑफ एटम का वो यहां से हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि जो एटम का पार्ट है मोस्ट ऑफ द पार्ट वो होलो है ठीक है सारा जो मास है वो टाइनी कोर में कंसंट्रेटेड है जिसको हमने क्या बोला न्यूक्लियस बोला बेटा तो अब मैं आगे चलूंगा इसकी एक्सप्लेनेशन पे क्या क्या पॉइंट्स हैं डिस्कस करने वाले देखें जरा सो so, एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है देखें जरा कहते हैं एन एल्फा पार्टिकल इज सेवन थाउजेंड टाइम्स मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन एंड इन हिज एक्सपेरिमेंट एल्फा पार्टिकल इज ट्रेवलिंग एट अ हाई स्पीड देर फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सिसक्ट दम थ्रू लार्ज एंगल्स सीधा सीधा सा वो क्या कहना चाहता है कि भैया जो अल्फा पार्टिकल है वह बहुत भारी है और बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करके आ रहा है तो ऑब्वियस है उसको रोकने के लिए कोई छोटी मोटी फोर्स जो है वो रोक नहीं पाएगी सीधा सा अगर हम बोले तो क्लियर तो इसलिए उसने क्या बोला है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ही क्या कर पाएंगी उसको डिफ्लेक्ट कर पाएंगी थ्रू लार्ज एंगल्स अगर हम उसको लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं या स्केटर करना चाह रहे हैं तो तो उसके बेसिस पे उसने क्या बोला कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए इन टाइनी सेंट्रल कोर और उसी सेंट्रल कोर को उसने क्या बोला दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है बेटा दोबारा रिपीट कर देता हूं इसी पॉइंट को वो सिंपल सी बात कहता है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत भारी है मास उसका बहुत ज्यादा है और वो बहुत हाई स्पीड से आ रहा है तो ऑब्वियस है उसको लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट करने के लिए अपोजिट साइड में भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए ठीक है बट ऐसा हो नहीं पाता है हम देखते हैं कि हर 8000 अल्फा एल्फा पार्टिकल के बाद एक एल्फा पार्टिकल ही 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे स्कैटर होता है इसका मतलब क्या है उसके अपोजिट कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है खाली है ठीक है तो अगर वो डिफ्लेक्ट होता भी है तो छोटे से पार्ट से डिफ्लेक्ट होता है जिसके बेसिस पे उसने क्या बोला है कि वो सेंट्रल कोर है और उसी कोर को उसने क्या बोला बेटा न्यूक्लियस अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे एज गोल्ड फॉयल इज वेरी थिन ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इसी वीडियो में तो उसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है एक से ज्यादा स्कैटरिंग सफर नहीं करेगी मतलब उसकी थिकनेस के अलोंग जो है एक एक, एक एटम ही एग्जिस्ट करता है हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं थर्ड पॉइंट कहता है एज गोल्ड न्यूक्लियस अब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं क्योंकि सारा मास फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है सेंट्रल कोर में कंसंट्रेटेड है पॉजिटिव चार्ज भी वहीं कंसंट्रेटेड है ठीक है जी चार्ज क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मास जो है नेग्लिजिबल है और न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज है इट मीनस हम बोलेंगे कि एंटायर मास जो है वहीं पे कंसंट्रेटेड है ठीक है तो इसलिए वो कहता है कि जो न्यूक्लियस है गोल्ड का वो अल्फा से पचास गुना भारी है ठीक है अब आप सोचें अगर कोई हल्की चीज आके भारी चीज से टकराए तो क्या भारी का कुछ बिगाड़ पाएगी नहीं वो अपनी जगह से भी नहीं हिलेगा तो यही चीज वो कहना चाहता है इसमें कि गोल्ड न्यूक्लियस जो है वो अबाउट फिफ्टी टाइम्सर है इसका क्या है explanation का देखते हैं और उसमें हम देखेंगे कि कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन बेसिकली क्यों है इसी के से एसोसिएटेड है फोर्थ पॉइंट एक्चुअली वो कह रहा है कि जो गोल्ड न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में क्या है पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल भी क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज ठीक है बेटा तो जब लाइक like चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होगी दैट इज रिपल्सिव फोर्स उसका नेचर क्या होगा रिपल्सिव फोर्स ठीक है बेटा सो बी फोर्स ऑफ रिपल्शन विच कैन बी कैलकुलेटेड विद कूलम्स लॉ और वो कूलम्स लॉ क्या कहता है उसी को फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस क्या होगी देखते हैं बेटा फोर्थ पॉइंट सो फोर्थ पॉइंट में देखो कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस इज गिवन बाय देखो फोर्स जो होती है बेटा उसका क्या फॉर्मूला होता है वन अपॉन फोर पाई एक्साइल नॉट ठीक है बेटा अब आगे क्या है यहां पे लिखेंगे हम दोनों बॉडीज पे चार्जेस एक को क्यू वन बोल दिया और दूसरे को क्या बोल दिया क्यों टू और डिवीजन में फिर क्या है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वेयर अब यही वैल्यूज को हमने लिखना है हमें क्यों वन मान लीजिए चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस क्यू टू मतलब चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल ये दोनों की वैल्यू डालनी है और ये हमारे पास क्या आ जाएगी कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाएगी बेटा तो एफ इज इक्वल टू वन फोर गोल्ड न्यूक्लियस की वैल्यू तो बेटा कैसे निकालेंगे चार्ज वैसे तो हमें पता होता है इज इक्वल टू ठीक है एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई e होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन तो यहां पे कैसे निकालेंगे क्योंकि गोल्ड का न्यूक्लियस है क्या है गोल्ड का न्यूक्लियस है तो गोल्ड में जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या हैं प्रोटॉन है बेटा ठीक है तो सीधा-सीधा अगर हम बोलें तो एटॉमिक नंबर से चलेगा यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर Z होता है सिंबल उसका इनटू E क्लियर समझ गए क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे सीधा-सीधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे कि भैया इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो वो यहां n की जगह आ जाता Z या n इनटू में चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन आ जाता ठीक है बेटा तो क्योंकि यहां पे हम रिपल्सिव फोर्स निकाल रहे हैं बिटवीन द न्यूक्लियस इसलिए मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात ना करके मैं सीधा सीधा अटोमिक नंबर की टर्म में बता रहा हूं इस चीज को तो दैट इज जेड ई और फिर चार्ज ऑन पार्टिकल तो वो हमें पता है डबली चार्ज हीलियम आयन को बोला जाता है तो डबली चार्ज मतलब टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज ठीक है जी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन एल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस अब एक लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें एक रिलेशन दिया गया है और वो रिलेशन क्या बताता है दैट इज अ रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया एट स्कैटरिंग एंगल थीटा क्लियर है एक तो पैरामीटर ये है और दूसरा पैरामीटर क्या है दैट इज फोर्थ पावर ऑफ साइन ऑफ हाफ ऑफ द एंगल वो एंगल भी कौन सा स्कैटरिंग एंगल मैं यहां लिख के दिखाता हूं क्या है बेटा देखो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इसको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकता हूं ये आपने याद रखना है कि भैया अगर मुझे यह पता लगाना है कि कितने पार्टिकल्स जो है थीटा एंगल पे स्कैटर हुए पर यूनिट एरिया पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज टू पावर और एंगल क्या हो गया थीटा बाई टू क्लियर है पर यहां पे ध्यान दें यहां एंगल क्या थीटा आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल थर्टी डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए वो निकालना चाहते हैं तो यहाँ थर्टी बाई टू मतलब डिग्री हो जाएगा इसी तरह से अगर आप सिक्सटी डिग्री पे कितने हुए पर यूनिट एरिया में अल्फा पार्टिकल स्कैटर वो निकालना चाहते हैं जगह थर्टी डिग्री हो जाएगा बेटा क्लियर सो बाई दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एल्फा स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया बेटा सो दिस इज ऑल विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस टॉपिक टेक केयर बेटा